उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर रेलवे स्टेशन के पास बम धमाके में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। हालांकि बताया जा रहा है कि कम क्षमता वाला यह देसी बम था। इसके साथ ही ट्रैक के पास से 4 जिंदा बम और बारूद भी बरामद किए गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बमों को बरामद कर लिया। वहीं फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर गहन छानबीन की। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूपी के संत कबीर नगर रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह एक धमाका हुआ। इसमें एक शख्स घायल हो गया। लोगों ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो आसपास कई जिंदा बम पड़े हुए थे। इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जिंदा बम और बारूद को बरामद करते हुए उसे निष्क्रिय करने का प्रयास शुरू कर दिया। बम की सूचना पर आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन को खलीलाबाद स्टेशन पर रोक दिया गया। वहीं बम की सूचना से जिले में सनसनी फैल गई। बीते कुछ महीनों में भारतीय रेलवे निशाने पर रही है। इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश में ट्रेन में ब्लास्ट हो चुका है। इसके अलावा सुल्तानपुर में रेडियो बम से हुए विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए थे। वहीं लखनऊ में भी टिफिन में 5 बम मिले थे। इन्हें विस्फोट से पहले निष्क्रिय कर दिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले वाराणसी के मिर्जा मुराद बाजार में धमकी भरे 4 पर्चे मिले थे। इस पर्चे में आईएसएस पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा गया था। मई 24 मार्च को पूर्वांचल में तबाही की बात कही गई थी। तो इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि एक साजिश थी जिसके तहत रेलवे ट्रैक को उड़ाकर बड़ा ट्रेन हादसा किया जा सके। पिछले कुछ महीनों से ही यूपी में रेलवे के आसपास घटनाएं बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। देखते रहिए डीबी लाइव।